Now children, let's move on to chapter number 20 and the name is sports personalities. So यहाँ पे हम पढ़ेंगे sports personalities के बारे में. So the description of some famous sports personalities who have achieved great heights in their respective fields is given here. तो यहाँ पे कुछ sports personalities उनके बारे में कुछ चीजें दी गई हैं. Let's see what are they. Who are these whose description thrills the heart and fills the soul. So, कौन है ये लोग जिनके descriptions हमारे दिलों को भर देती हैं और हमारे thrill कर देती हैं और हमारे souls को भर देती हैं. So, here the first one is winner of Wimbledon 2023 women's title. Wimbledon 2023 women's title किसे मिला था? तो ये थी Margarita Vondrousova. Next, second one is the first Asian and also the first Indian to win the world amateur snooker championship. ये हैं first Asian और पहली Indian जिन्होंने world amateur snooker championship जीती थी और इनका नाम है OMB अग्रवाल. Fifth, the third one is first captain of इंडिपेंडेंट इंडियाज ओलंपिक फुटबॉल टीम. सो जो पहले कैप्टन थे इंडिपेंडेंट इंडियन ओलंपिक फुटबॉल टीम के उनका नाम था डॉक्टर तलिमेरन AO. फोर्थ वन इज द फ्लैशी अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हु सिक्योर्ड गोल्ड एट द सियोल ओलंपिक्स. फ्लैशी अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था सियोल ओलंपिक्स 1988 में 100 मीटर 200 मीटर 4x100 मीटर रिले रेस में और इन्हें हम फ्लोजो के नाम से भी जानते हैं. तो इनका नाम है फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनियर जिसके फ्लो और जो को लेके इनका नाम फ्लोजो रखा गया. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज फॉर्मर हॉकी प्लेयर एंड द फर्स्ट वुमेन अर्जुन अवार्डी. तो ये पुराने हॉकी प्लेयर हैं और ये पहली फर्स्ट वुमेन अर्जुन अवार्डी इन्हें ये पहली वुमेन है जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था. तो इनका नाम है एनी लुम्सडेन एंड ये अवार्ड इन्हें मिला 1961 में. द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न. तो पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा यंग एज में इन्हें भारत रत्न मिला और पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे इनका नाम है सचिन तेंदुलकर. सेवेंथ वन इज नेशनल चैम्पियन इन वर्ल्ड्स वुमेन बैडमिंटन. सो ये जो है विमेन बैडमिंटन में नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं. हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन एन इंटरनेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट. जिन्हें ये पहली ऐसे इंडियन वुमेन थी जिन्हें जो है पहली इंटरनेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में जो है जीती थी और इनका नाम है अपर्णा पोपट. सो दीज आर द आंसर चिल्ड्रेन, क्विकली राइट देम अप. And like this, you have to do these questions that are given here. So I'm going to read out the questions. So the eighth one is an Indian tennis player who became the first Indian to make it to the finals of the Grand Slam event. तो ये पहले Indian tennis player हैं जो Grand Slam तक पहुँचे. Ninth one is Norwegian athlete who created a new record in the 18th Winter Olympic Games in 1998 by winning 112 medals including 8 golds. तो ये Norwegian athlete हैं जिन्होंने 18th Winter Olympics में 112 medals जीते थे जिसमें से 8 gold medals थे. तो कौन है ये? Write it. American sprinter who broke the world record held by his teammate Carl Lewis in 100 meter. So, एक American sprinter है जिन्होंने अपने teammate Carl Lewis का ही record तोड़ दिया था 100 meter में. The only cricketer in the world
two posts, a triple century and a century in the same test. So, एक ऐसे इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक क्रिकेट मैच में तीन बार सेंचुरी मारी थी और एक ही टेस्ट मैच में. Who is the top scorer in IPL 2024? कौन है पहले टॉप स्कोरर? कौन है टॉप स्कोरर जिन्होंने IPL 2024 में टॉप स्कोरिंग की थी? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दीज फेमस पर्सनालिटीज.